हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल स्कूटर ज्ञान में। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोमाकी XGT4 के बारे में, जो कि जब मैंने परचेज की थी ये 87,000 की थी 3 अक्टूबर 2020 को, और इसे 3 साल हो गए हैं। आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसके फीचर्स बताऊंगा और कितना मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये शिव कुमार जी मेरे भाई हैं, इनका एक चैनल है इलेक्ट्रिकल स्कूटर ज्ञान। दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं हब मोटर की, तो इसकी ये हब मोटर है दोस्तों, और इसमें म्यूज़िक सिस्टम की भी जो है बहुत अच्छी सुविधा है। अगर इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसमें डिस्क ब्रेक भी हैं दोस्तों अगले वाले, और एक बार चार्ज करने से जब उस टाइम मैंने ली थी 3 अक्टूबर 2020 को, तो 110 किलोमीटर लगभग चल जाती थी। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो लिथियम आयन 72 वोल्ट 35 AH की इसकी बैटरी है। अगर मैं इसके एडाप्टर की बात करूँ तो इसका एडाप्टर 1.5 साल चलने के बाद वो बेकार हो गया था। जो खर्चा आया है इसमें, जब से खाली सिर्फ एक इसका एक एडाप्टर जो चार्जर है वो चेंज हुआ है, और पिछला वाला एक टायर चेंज हुआ है 3 साल के अंदर। लेकिन अब जो है 3 साल चलाने के बाद अगर मैं इसे चार्ज करता हूँ तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर अब भी चल जाती है, जो कि मेरा ऑफिस घर से लगभग 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से एक बार चार्ज करने पे ये मेरा काम जो है पूरा कर देती है ऑफिस तक का। लगभग 3 यूनिट के आसपास जो है इसमें बिजली खर्च होती है दोस्तों। जैसे मेरे पास पहले जो है मोटरसाइकिल थी अपाची RTR 180, उसमें जो है लगभग 100 रुपये का तेल आने जाने में लग जाता था, तो मान के चलो कि महीने का 3,000 का तेल लगा, तो 3 साल में लगाया जाए तो 3 साल में 1,08,000 का खर्चा हो जाता। लेकिन मैंने स्कूटी ली थी 87,000 की, तो देखो कितना फ़ायदा है। और कंफर्टेबल इसकी जो है जो सीट है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका रिवर्स गियर भी है, ये बहुत बढ़िया फायदा है इसका दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।